हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए जी, जो हमारा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी जो भी झारखंड से आप करना चाहते हैं, इसमें एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए झारखंड गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया था जिसकी डिटेल में चर्चा हमने कर रखी है। अब वो जो एग्जाम है, जेट का जो एग्जाम होगा, वो एक लेने वाली बॉडी थी जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेपीएससी ने आज ही यानी कि 7 तारीख को एक नोटिस जारी किया है। किस रिगार्डिंग? तो भैया, आपका जो एग्जाम है, जो जेट का एग्जाम होगा, वो कब होगा, किस मंथ में होगा, आइए उस नोटिस को पढ़ते हैं और जानते हैं, देखते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको थोड़ा बहुत कि भाई साहब आप कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे आप सारी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं पेपर वन की और पेपर टू कॉमर्स की, क्योंकि सारा सिलेबस जो है वो सारा का सिलेबस आपका यूजीसी नेट वाला ही है, उसमें से एक जरा भी चेंजेस नहीं करे हैं। मैंने जब आपको वीडियो बना के दिया होगा तो उस समय आपने देखा होगा कि मैंने वहां आपको डिटेल में दिखाया था कि देखो टोटल जो है यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। तो आइए शुरू करते हैं, कहां से देखते हैं, पहले सर्कुलर नोटिस जो जारी किया है जेपीएससी ने उसकी बात करते हैं। आइए देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये देखिए क्या है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के द्वारा क्या लिखा गया है, देखिए क्या कहा गया, प्रेस विज्ञप्ति, झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। कह रहा है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के अंगीकृत और अधिकतम संशोधित की धारा 52A एवं उच्च शिक्षा निदेशालय, जो अभी मैंने बताया था हायर एजुकेशन, उच्च हायर एंड टेक्निकल ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 21/2/2024। देखो ये नोटिस जो 21 तारीख को मैंने डाला है ना वीडियो, उसमें आया था, उसमें नोटिस आ गया था किसके द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन और टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें क्या गया था, रूल्स बताया गया था झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन पीएचडी, कहां, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड में। अब क्या कह रहा है, 2024 के आलोक में झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो संभवतः मई और जून में लिया जाएगा। कब, मई और जून के बीच में, यानी कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब आप बात करें तो मार्च आज 7 तारीख हो गया, मतलब लगभग 22 दिन इधर 23 दिन और अप्रैल, मई और जून में तो एग्जाम ही है, तो आप रिविटेशन कर सकते हैं। मतलब आपके पास मोस्टली 2 महीना है, 2 महीना आपको एकदम झोंक देना है अगर आपको जेट निकालना है, क्योंकि भाई साहब वैकेंसी झारखंड में जबरदस्त आने वाली है, तो आप इसके लिए लगे रहें। आपको क्या करना है, देखिए बेसिक चीज है, मैं आपको बता देता हूं, आगे वीडियोस में एक लेके आऊंगा, लेकिन अब वो मैं भी आपको बता दे रहा हूं कहां से क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, है ना, जहां पे आपको नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन सारा मिल जाए, है ना, और नंबर पे कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो यूजीसी नेट का सारा सिलेबस है, ऑलरेडी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे, ये जो चैनल पे जाइएगा वहां प्लेलिस्ट होगा, क्या होगा, प्लेलिस्ट। अब उस प्लेलिस्ट पे देखिएगा, जो तैयारी करना चाह रहे हैं पेपर वन का, टीचिंग के एप्टीट्यूड के 37 लेक्चर से आधा घंटा 20 मिनट का, मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ने बैठ जाएं तो उसको 2 दिन में खत्म कर देंगे। फिर रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, मैथमेटिकल्स है, हायर एजुकेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल है, ये सारा अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको जाके देख सकते हैं। और पेपर टू कॉमर्स वाले ये तो उनके लिए तो चल ही रहा है, और प्लस इसके साथ साथ हमारे लेक्चर जो लगातार आ रहे हैं, जैसे आपको टीटीएस में आपको क्या मिलता है सर, लेक्चर्स मिल जाते हैं सुबह 8 बजे, तो ये भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी और मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि स्ट्रेटजी की कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।